नेक्स्ट, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हम बात करें ओरिजिन का, तो स्टार्टिंग में हमारे पास आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें से कुछ प्रोविजंस को अलग कर दिया 1930 में और एक अलग कानून बना दिया सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। उसके बाद फिर कुछ स्पेशल प्रोविजंस को अलग किया और उसका एक अलग कानून बना दिया 1932 में, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको क्या क्या करने हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप क्या होती है, डिफाइन पार्टनरशिप और उसके असेंशियल एलिमेंट्स। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, नॉट बाई स्टेटस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर किसी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है तो हमारे पास कौन कौन से ग्राउंड्स अवेलेबल होते हैं और कोर्ट का कब कब इंटरफेरेंस होता है आपके पार्टनरशिप को डिसॉल्व कराने के लिए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी होता है? सो आंसर इज नो। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कुछ नॉन रजिस्ट्रेशन कॉन्सिक्वेंसेज आपको फॉलो करने पड़ते हैं आपकी पार्टनरशिप फर्म को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। और इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माइनर। माइनर की क्या पोजीशन होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, क्या उसके राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज हैं, एंड ऑन द अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, मीन्स व्हेन माइनर बिकम्स मेजर, जब माइनर मेजर बन जाता है तो उस टाइम उसके क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज होती हैं। तो ये हमारे चार क्वेश्चंस हैं जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला आता है डॉक्ट्रीन ऑफ होल्डिंग आउट, मतलब पार्टनर बाई एस्टॉपल। ये पार्टनर बाई एस्टॉपल क्या होता है? दूसरा, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? तीसरा, हमारे पास इसके अंदर आ गया पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस होता है, और लास्ट है इसके अंदर इंसॉल्वेंट पार्टनर क्या होता है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट में ओवरव्यू है इसका, ओवरऑल इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। अब वन बाय वन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थैंक यू सो मच अगेन।